कश्मीर में लोग तंत्री सरकार बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। इलेक्शन कमीशन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इलेक्शन कमीशन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जम्मू कश्मीर में लोग तंत्री सरकार बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। पक्षी गवर्नमेंट चलाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जम्मू के लोगों के साथ बंद करो, बंद करो, बंद करो। जम्मू के लोगों का लड़ाई बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये आज जो हमारा ये जो प्रदर्शन है ये इसलिए रखा गया है कि जो निर्वाचन आयोग है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसने आज जो है भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बन चुका है वो बीजेपी। बीजेपी हम ये कहना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट तरीके से काम करे। यहाँ जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर आप पंचायत इलेक्शन कराने को तैयार हैं, आप ये जो है कॉर्पोरेशन इलेक्शन कराने को तैयार हैं, टाउन एरिया कमेटी इलेक्शन कराने को तैयार हैं, आप मेंबर पार्लियामेंट इलेक्शन कराने को तैयार हैं, आप बीडीसी इलेक्शन कराने को तैयार हैं, आप डीडीसी इलेक्शन कराने को तैयार हैं। असेंबली के नाम पे कौन सी मौत पड़ती है इस इलेक्शन कमीशन को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, यह समझ नहीं आ रहा हमको। हमारा हक हमको दिया जाए, हमारी चुनी हुई सरकार हो जो बाहर से आकर लुटेरे इस जम्मू कश्मीर के खाद्य पदार्थों को और खनिज पदार्थों को लूट रहे हैं, उसको रोकने के लिए चुनी हुई सरकार चाहिए। यह बेरोजगारी की सरकार, यह महंगाई की सरकार, इसको बाहर निकालने के लिए असेंबली इलेक्शन हमारा बर्थ राइट है, हमारा कानूनी हक है। हम चाहते हैं कि हमारा जो है इलेक्शन जो जल्द से जल्द करवाया जाए। उसको आज बीजेपी के नेता कहते हैं नहीं ये 2024 नहीं 26 में होगा। इनके बाप का है ये इलेक्शन कमीशन, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इदारा नहीं है, ये इंडिपेंडेंट इदारा है, ये भारतीय संविधान का प्रहारी है, पहरेदार है, ये वहां पे सरेंडर नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारी डेटों को घोषित करे, जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली चुनाव जल्द से जल्द करवाए जाए ताकि लोग अपनी चुनी हुई सरकार से इंसाफ पाए। कुंडल जी देखिए, आज जो आम आदमी पार्टी की से इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बारे जो धरना दिया जा रहा है, हम ये कहना चाहते हैं, हमारे होम मिनिस्टर जी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में चिड़ी भी नहीं मारी जा रही है। आज G20 ये करवा रहे हैं, आज ये आने वाले दिनों में पंचायत इलेक्शन अनाउंस करने जा रहे हैं, आज ये आने वाले दिनों में अर्बन लोकल बजट को अनाउंस करने जा रहे हैं, MP का इलेक्शन होने जा रहा है। तो हम पूछना चाहते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर में हालात साजगार हैं, जहां सैलानी आने चाहिए, जहां टूरिस्ट आने चाहिए, तो फिर MLA का इलेक्शन क्यों नहीं कराया जा रहा है? ये प्रॉक्सी गवर्नमेंट जो दिल्ली की तरफ से चलाई जा रही है और दिल्ली से जो बाबू जयपुर भेजे जा रहे हैं, हमारे डोगरों को लूटा जा रहा है, जो नौजवान हमारे डोगरे हैं उन हमारे नौजवानों से धोखा किया जा रहा है, जिसको आम आदमी पार्टी कभी भी सहन नहीं करेगी। हम ये कहते हैं आप पूरे हिंदुस्तान में जाएंगे, जम्मू के लोगों के साथ बेइंसाफ हो रहा है, इन्होंने भ्रष्टाचार बनाकर रखा है,
इन्होंने हमारी जो खाते नाले और जो हमारा रेत मजरी है उसमें जो भ्रष्टाचार लोग बाहर से आए हैं, जो जो कंस्ट्रक्शन लोग बाहर से आए हैं, अब हमारी जमीन भी महफूज नहीं है, हमारी नौकरियां महफूज नहीं है, हमारा कल्चर बार जो महफूज नहीं है। हम जो कहना चाहते हैं आज के दम नहीं देने जाते हैं, अगर इलेक्शन कमीशन जो है ये जल्दी डेट अनाउंस करे और जो हमारे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जहाँ भी प्रीमैच्योरली गवर्नमेंट डिसॉल्व होती है 6 महीने के अंदर अंदर जो है इलेक्शन करवाना पड़ता है और लोकतंत्र सरकार जो है वो बहाल करना पड़ती है। आज हमारे जम्मू के डोगरों को जो इन्होंने सबसे बात दिखाए, आज जम्मू का डोगरा समझ गया है हमारे साथ धोखा हो रहा है और हम ये जानते हैं, इनको पता चल गया है कि अब हमारे ये दाल गलने वाली नहीं है, ये जुमले अब ज्यादा देर तक चलने वाले नहीं है। हम ये कहेंगे कि अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर के इलेक्शन की डेटे नहीं आई तो आम आदमी का प्रदर्शन जो है ये तहसील हेडक्वार्टर जाएगा, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाएगा और लोगों को अवेयर करेंगे, ये लोगों के साथ जो बेइंसाफी हो रही है उसको गली गली तक पहुंचाएंगे।